कैसे यकीन करी कि तू वो कीमती घड़ी चोरी ना कैला? शकल से ही तोहार छोट सोच चिल्ला चिल्ला के टपक रहल बा। सही सोच उहे होता जहां मोच होता। भूखा पेट के मोच, बेरोजगारी के मोच, गरीबी के मोच, अनपढ़ता के मोच। और जब ये मोच पर हम सपना के मरहम लगाएंगे ना, तई चप्पल के छेद की तरह वो मोच भी भर जाती। चार बड़ा किताब पढ़ ले लू ना तू, ऐसे ही बड़ बड़ बात कर रहल बाड़ू। लेकिन बड़ बड़ बात करे से औकात बड़ ना हो खेला और ना ही बड़ सपना पूरा हो खेला, समझ लू? शांति काकी, औकात के भुला के हम सपना देख सके नी तो उनको पूरा काहे नहीं कर सकते? जरूरत बा तब बस सही सोच के चलत है। चल पिंकू। रानी रुका था, तू काहे ना समझे लू? अरे दुनिया कच्चा खा जाई हमनी छोटा लोगन के, अगर हमनी इनका सामने दब के ना रही था। तू भले ही औकात बदले के बात करत रहा, लेकिन ध्यान में रखा औकात कबो ना बदली। हमने कुत्ता बानी और कुत्ता ही रहा। कुत्ता के नाखून कितनो बढ़े ना, लेकिन उस शेर ना कहलावे ले, रहे ले गली के कुत्ता ही। गली के कुत्ता भी तू नौकर लोग से ज्यादा वफादार हो खेला। सब नौकर के तलाशी ला, और सबसे पहले उ जाहिल लड़की के जब बलिया से आयल बाड़ी अपन बाप के ले बे। लेकिन हमनी के घर में बस गयल बाड़ी। आई वॉन्ट माई रेस्ट वॉच एनी हाउ। ये देखी शांति काके, बंद घड़ी। हम अक्सर अपन घड़ी में चाबी भरे भूल जाते हैं, पर एक बंद घड़ी भी पूरा दिन में दो बार सही टेम बताती है, और हम भी उहे सही टेम लेके आना चाहते हैं। औकात और हैसियत में बटल इस जग में आपन खुद के एक जगह बनावल चाहते हैं, आपन भी टेम लावल चाहते हैं, और वो हम ला के ही रहेंगे। अब आपन बक्सा में बाऊ जी के रिहाई की उम्मीद और हमनी के कुल सम्मान के लिए हुए हम तो चलेंगे। जय माता रानी। चलो ए लड़की रुक। जी का है इतना बौखलात का है बानी? कहाँ जा रहा बाड़ू? अपन मौसी के यहाँ। बक्सा खोल। काहे? तलाशी लेवे के बाद बक्सा में क्या बचल दिखावा? तोहार अम्मा के पेटी कोट है पहिनबा। दे बक्सा। पीछे हटा, पीछे हटा, हम कह रहे हैं। ए बदतमीजी करताड़ू। तमीज से बात करा बे, बहन भी है हमार। और का तलाशी तलाशी लगा रख ले बड़ा, जानत नहीं खा हमनी के कर बच्चा बानी? बिल्कुल जानता नहीं बेटा, पूरा परिवार अपराधियन के बा। बाप खूनी बा और बेटी चोर ही है। देखी हम आपसे पहले भी कहे हैं, हमरे बाऊजी खूनी नहीं है और हम चोर नहीं है। रहल बात बक्सा देखे के, हम खोल देत बानी। आप देख ली? दिखाओ चल। अरे है ने दे।
ए निकालो करा, काबो करा में। अरे राम राम कुंवर साहब, का होता ही वो कुंवर साहब रानी साहब के घड़ी चोरी हो गई बा, तब हमारा पक्का यकीन भाई ये लेके चोरों ले बिया और यहाँ से भागे के फिराक में रही, तब बस उन्हें चेक करते रानी, तलाशी ना हुई। पर रानी साहब के घड़ी, घड़ी घर से चोरी हो गई बा, ये लड़की सर्वेंट क्वार्टर में रहत रहल घर में ना, ये घर में 26 कमरा बा हरी, ये लड़की के आयल यहाँ 26 घंटा भी ना भई, केहू के कमरा में जाकर इतना महंगा घड़ी चोरी करल एकर बस के बात नहीं खे, हमके पूरा यकीन बा कि ये चोरी ही ना कई लेती, आपन काम ठीक से करा, पता करा कि रानी साह के घड़ी कहाँ खो गई बा, ये घर के कुछ नियम कुछ कानून बा, ओकरा ठीक तरह से समझा, यहाँ सबके साथ इंसाफ होला और उहे होत रही, इज दैट अंडरस्टूड? जी कुंवर साहब। आई अपोलोजाइज, ये सामान बंद है और आप जा सकेंगे। शोर तोहरा हैरी बतेले होगी कि तलाशी के ऑर्डर्स हम देले रही। यस रानी साहब, बट आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, अपन स्टैंडर्ड गिरा के इ छोट लोगन के मुंह लग के, आखिर तू प्रूफ का करे चाहेला? विद ऑल डू रिस्पेक्ट रानी साहब, हमरा लगल कि उलाई की चोरी ना कर सकेले, बट डोंट वरी, हम आपके लिए दूसर घड़ी ले आएंगे। I will get you the best one. Oh really? अब तू ये तय कर बा कि हमरा खातिर का बेस्ट बा? जो लड़का के हम हमार घर में रहे खातिर जगह देनी, इतना एहसान कहनी, MBBS करवाईनी, अब वो लड़का हमरा के बताई कि हमरा खातिर बेस्ट का बा? एको चोरी के नहीं खे वीर, बात ई छोट लोगन के बाद एगो चोरी माफ कर देबा तू, ओकर बाद उलो खून करी है, डाका डली है, सब कुछ लूट ली है उलो। यू जस्ट लाइक हिम, इनकर भी दिल ई छोट औकात लोगन खातिर पिघलत रहे, एंड आई गेस यहाँ भी उहे हाल बा। ओ कम ऑन वीर, तू एगो सक्सेसफुल डॉक्टर पाड़ा,
राज घराना के कुंवर आम श्योर तोरा में इतना तो समझ होई कि इट्स ऑल अबाउट फियर एंड रिस्पेक्ट। जब तक ये लोग हमनी से डरी हैं, वो हमनी के इज्जत करी हैं। सो प्लीज ये दोबारा ना होके के चाहे। तू अपन हॉस्पिटल संभाला और राज घराना संभाले खातिर हम बानी यहाँ। तू जे कैला बिल्कुल सही कैला, फिर भी हर बार हमार सही न जाने रानी साहब खातिर गलत कैसे हो जाला पापा। आई डोंट नो हम ऐसा का करी जिसे माँ हमरा देख के कहे कि वेल डन वीर, आई एम प्राउड ऑफ यू। कहीं है, जरूर कहीं है, लेकिन शायद उनकरा समझे में तनी वक्त लागी। यू नो पापा, हमनी के कान में स्पेसिफिक पॉइंट होला, हिडिंग हियरिंग जिकरा कहल जाला। जब भी कुछ मैजिकल साउंड इन पॉइंट पर पड़ेला ना, तो हमनी के माइंड वो हैप्पी स्टेट पर चल जाला। इट इज ड्यू टू रिलीज ऑफ डोपामाइन इन द ब्रेन, जैसे बारिश के बूंद के जमीन से मिलल, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के परफेक्ट कॉर्ड लगल, एक माँ के प्यार से अपन बेटा के। I have to hurry, Papa. I will talk to you later. Veer, हमरा तो ये डॉक्टर साहब बिल्कुल पल्ला ना पड़ रहा बाड़े। कबो गुस्सा होके तोरा ऊपर फट पड़े ले, और आज तो हर साथ देत रहे। पहले वो पुलिस वाला बाबूजी के अपन साथ ले गए, अब सब तरह के चोर ठहरा रहा बाड़े। हमरा तो लगे ला कि शहर में आवे के बाद हमनी के टाइम ही एकदम खराब चल रहा बा। वापस जब बलिया जाए ना, तबे सब अच्छा अच्छा होई। अरे यार, टेम्पो कब तक आई? का बोले तुम? टेम्पो का ना रहल बा। अरे नहीं, उसे पहले। ओकरा से पहले हमनी के टाइम एकदम खराब चल रहल बा। उसे पहले ओ नया मैनेजर हमनी के बाबूजी की यूनिफॉर्म पहनेला और तोहरा चोर ठहरा रहल बा। बाबूजी का गजब निकले रे तू तो पिंकू, एकदम जासूस हो गया है। हमने का किया? ना नहीं है, पर अब करब। बाऊजी और हमारी इज्जत के छीछा लेदर कर देलस ना वो, अब हम उसका बुरा गेम शुरू करेंगे। अरे यार, यहाँ बहुत बड़ा ड्रामा हो गया। वो राजेश्वरी के पता चल गया घड़ी के बारे में। वो हमरा बोललस कि वो खूनी की बेटी के तलाशी लेवे खातिर, तो हम सोचे निकले से पहले हम फंसी ओकरा फंसा देता नहीं, और जान से ना मिला वो राजेश्वरी के बेटा आके रोक देलस। ना 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 ना, घबराए की कोनो जरूरत नहीं, सब ठीक बा। मोटा घर में लागल बानी, ऐसे ही धीरे धीरे करके सारा माल गायब कर दे, और जब इकट्ठा हो जाए ना सब बेच खाई। अरे तोर क्या? अरे कहार अम्मा है रे, कान खिचायल बनी तोहार वापस। मुंह काला कर ताड़ू, पिछला बार तो कुंवर साहब बचा ले रहा ले, अभी ऐसा क्यों नहीं खे? अरे हाथ लगा के तो दिखावा, ऐसा हालत करेंगे ना, खाए लायक ना ही बचोगे और ना ही धोए के, समझ रहा बाड़ा? यूनिफॉर्म पहन के ना तो हमारे बाबूजी के नहीं तो जगह ले सकेला और ना ही उनकी तरह बन सकते हो, समझे बुड़बक?
अबे हट पिंकू। छोड़, अरे छोड़। अरे पैर छोड़ो मार। जौन थाली में खाओगे उहे में छेद करोगे। ना छोड़ो हम। बैड मैनर्स। यहाँ का हो रहल बा हमके माफ कर दी रानी साहब। ये तमाशा करे के हमरा कोनो इरादा नहीं था, पर हम चोर नहीं हैं। चोरी नहीं की कहले हम। हम तो रामधीर सिंह बागी बलिया वाली के बेटी हैं रानी। हम मानत हैं अनिस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बिन बतबले आगे नहीं ओके खातिर हमके माफ कर दी। हम अपन बाबूजी के सीख के कभी नहीं झुकने देंगे। चलो पिंकू, जय माता रानी। साहब हम कुछ नहीं के लिए साहब, साहब प्लीज साहब। हम चोर नहीं हैं, चोरी नहीं की कहले हम। हम अपन बाबूजी के सीख के कभी नहीं झुकने देंगे। नमस्ते रानी सा, अब बुलाइनी हमके? कहाँ रहलू तू कुमोद? रानी सा उ एजेंसी से फोन आयल रहे जे हैरी के भेजले बानी, तब बस उनकरे से बात करित रहनी। अच्छा, तो अपन गलती के रिस्पॉन्सिबिलिटी दोसर के सर पे थोपे के तोहार पुराना आदत आज तक बरकरार बा। माफी रानी सा, पर आप चिंता मत करें, हम बात कर ले बानी। वो हैरी के जगह कौनो दूसरा आदमी के भी। और फिर चौथा
और पांचवा का फायदा कुमोद, काहे कि वो लोग जौन भी भेजी हैं वो तोरा जैसन छोट होखी हैं, जे औकाद और नियत से कमजोर। एक बार तहरा भरोसा छोड़ के देख लेनी नतीजा हम, हमार घर चिड़िया घर बन गए रहे, हमार घर में जानवर के जैसन लड़त रहे, कहे कि तू एक बार भी हैरी के बैकग्राउंड चेक कई ठीक ना समझ लू। Am I right? अब जौन कुछ भी करे के बाद वो हम करब, रामू के जगह कौन होई ओकर फैसला हमार होई, और हम जानी कि हमरा केकरा रामू के जगह देवे के बाद। कहा दवाई देखी, हमके नहीं चाहिए आपके इलाज। तो का चाहिए आपके? इन्फेक्शन देखी, बलिया के बंसीलाल चौरसिया चिकित्सा केंद्र में हमरे एक वैद्य जी बैठते हैं, सिर्फ उनकरे पे विश्वास करेनी हम। जो काम एगो सिंपल दवाई कर सकेला ओकरा खातिर बाद में हॉस्पिटल जाई बाप। हम कोनो बुड़बक नहीं है, डॉक्टर लोग ना अपना धंधा चलाने के लिए हंसता खेलता इंसान के मरीज घोषित कर देवे ले। देखी हम कौन अस्पताल नहीं जाएंगे। ई सही बा, यहाँ हम आपके मदद कर चाहत बानी और आप आने की। देखी 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 डॉक्टर साहब, हम ऊपर से नीचे फुल आत्मनिर्भर बानी, हम पिंकू और हमार दोनों के ख्याल हम रख ले। देख रहा बा कैसे ध्यान रखत बानी अभी छोट के फूक मार मार के। अरे लेप लगावे से पहले इसको सुखा रहे हैं। लेप? व्हाट इज लेप? वन मिनट। ये देखी, जैसे आप बक्सा लेके घूमे नी ना, हमरे बक्सा में भी सब कुछ रहता है। ये रहल हमार चूल्हा, 4 साल पहले दीपावली पे हमरे बाबूजी हमको इलाके दिए थे, हम साथ में लेके घूमे नी हमेशा। कभी कुछ बनावे के मन हो गए तो खाना तो ना ही बनाना है, पर लेप ये पे तैयार करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे सरसों का तेल, दालचीनी। ये देखिए डॉक्टर साहब, हमरा बलिया वाला स्पेशल लेप तैयार। आर यू सीरियस? ये चोट पे नमक मिर्च मसाला लगाई बाप, ये बनैले का बनी आप? आपके समझदार बनावत है डॉक्टर साहब। ई अंग्रेजी इलाज के पहले ना हमने के पूरा देश ऐसे देसी टोटका पे ही चलत आवत बा। का पिंकुआ? एक नंबर बहन, लगा दा कर दा जखम के छुट्टी। अरे का बहिल बहिन, ये तो बहुत जल रहा है। ऑफ कोर्स जली, शुरू में जलता है फिर ठीक हो जाए। ए पिंकुआ, खड़ा देखत का पड़े, चलो सामान बांधा। हाँ राधा मौसी इंतजार करत है, बना चलो 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 ले आपके बक्सा।
अगर आपके सारा एक्सपेरिमेंट खत्म हो गेल बा तो चली छोड़ दतनी आपके। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हालत भले ही टूटल फूटल होके पर इरादा हमार माता रानी की कृपा से एकदम मजबूत बा। हां ये ही हो गेल इंतजाम। ए रुकी रुकी रुकी, हमको जाने दीजिए। हां हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। आप दोनों एमे जाए, देखिए एमे जगह भी नहीं खे और आपके चोट भी लगल बा, आराम से गाड़ी में बैठी छोड़ देता नहीं। डॉक्टर साहब आराम की आदत पड़ गई ना तो मजबूत ना बन पाएंगे। हमारे बाबूजी सिखले बड़े कि जौन चीज तकलीफ या दर्द देते हैं उहे मजबूत बनाओ थे। पर थांको चलो पिंकू। रख नहीं, हाँ धन्यवाद। चली चाचा, चलो तनी, जय माता रानी। बहन हमरा के तलागेला ही वकील बाबू ना हमनी के गच्चा दे दी है। घंटा भर से ना सिर्फ इंतजार ही चल रहल बा, उहो इकड़ा धूप में। तू का मोम के बनल बाड़ा जे ही धूप में पिघल जाएगा। हाँ थोड़ा इंतजार करो, बाबूजी की छुड़ाए के बाकी ना। छुड़ावे के तब बा, बाकी गर्मी में खुद के तंदूर भी तो ना बनावे के ना बहिन। बहिन वो देखा ना कैसे वो बच्चा एकदम ठंडा ठंडा गोला खा रहल बा। प्लीज एक बा 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 का बात है, मतलब यहाँ इतना बड़ा मेटर चल रहा है और तुमको बर्फ का गोला खाना है। थोड़ा सा किस्मत, जी तोड़ मेहनत और बोरी भर धीरज, इस सब जब एक साथ मिलेला ना तबे जीत के घोल तैयार हो खेला, समझला? बुझे। ओ देखा ओ बाऊजी के वकील बाड़े का। अरे वकील बाबू, जय माता रानी, जय माता रानी। बंडेट एडवोकेट साहब आई, हमने अंदर चलत है बाऊजी से सब सच बतिया ले, और आप बोले रही ना बाऊजी की रिहाई के कागज वो भी जमा कर दीजिए। हाँ अरे केकर रिहाई के बड़ू तू छोरी का कहा था आप, हमने के बाऊजी की रिहाई रामाधीर सिंह बागी बलिया वाले आपके उनका रिहाई कराए के रहे ना वकील बाबू। अरे के रामाधीर, हमरा से का मतलब बाड़ू के तू? अरे हम रानी है, आपके दफ्तर आए रहनी ना हम अपन बाऊजी के केस लेके, वो रानी सा के यहाँ काम करते हैं। अरे आप बात तो कहले रही अरुण बाबू से, और जवारी बाजार में जौन दुर्घटना भर रहे हमरे बाऊजी के पुलिस वाले ले गए थे, याद बा? आप फीस के नाम पे हमारो सोना के कंगन ले गए रहनी, यह हाथ में था। और आप ये भी बोल रहनी कि दो दिन में हमरे बाऊजी छूट जाएंगे। अरे वकील बानी सुना ना, कंगन का है ले? कांच के चूड़ी के औकात नहीं थे तो आज सोने के कंगन के बात कर रहल बड़ू हमरे सामने। अरे जौन कंगन के वजह से इतना बड़ा कांड भइल बा वो हमरा के दे दा, जब तोहरा पास पैसा जमा हो जाये तब तू आके वापस ले जाइया। ओ दरोगा साहब, अरे का जमा हुआ इकट्ठा रख ले बड़ा भाई, हटा भाई छोरी के। अरे तो फिर तमाशा कर चले लू, चल निकल यहाँ से। बाहर न तो तोहरो के रामू के साथ अंदर बंद कर दे। कौना दफा में अंदर कर बा। अजय चौधरी इधर जयपुर के सबसे बड़ा क्रिमिनल लॉयर हा, यहाँ का कर रहा? कौन सा दफा लगाई बा? 302 78 का बुलबा कि ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर होखला के बावजूद तू एगो लड़की के साथ बदतमीजी करत रहला। चौधरी साहब पागल छोरी भी आप, दो दिन से थाना के बाहर बखेड़ा खड़ा करके रख ली भी। बखेड़ा तो और भी बड़ा बन जाई अगर दोबारा तू हमार क्लाइंट के साथ
बदतमीजी करे के कोशिश कर लेता। चल जाए यहाँ से। हेलो जी, हमारा नाम है एडवोकेट अजय चौधरी। आज से आपके बाबूजी के केस हम ही लड़ा जी। आप हमार केस काहे? एक मिनट लेही बात करी। हेलो, हम रानी जी बोल रहल बानी। तोहर सामने जोन वकील खड़ा बा उ रामू के केस लड़ी। उ जयपुर के सबसे मशहूर और महंगा वकील बा। उ सब कुछ देख ली। जय माता रानी। रानी सा, और इनका तो देख के ही लागत बा कि कितना बड़ वकील होगी। इतना बड़का फोन है, उतना बड़ा गाड़ी, पर हमरे पास तो इतना पैसा ना ही है। इंतजाम कैसे करो? रामू हमार घराना के सबसे पुराना नौकर रहे, और चीज कितना भी पुराना काहे ना हो जाए ओकरा फेंकल ना जाला। और वैसे भी रामू पर लगावली इल्जाम हमार और हमार घराना के लेवल दोनों के नीचे गिरा सकेला। और वैसे भी हमार मानना बा कि पैसा कौनो भी इंसान के जान से ज्यादा कीमती ना हो खेला। तो चौधरी के फीस हम भरब। जी ईरानी साहब, इतना बड़का एहसान, हमरे तो बलिया में ऐसा कोनो बात हो जात रहे तो। ये तोहार बलिया नहीं खे। कि हमार जयपुर बा, और बात हो रहल बा राजावत खानदान के नौकर के। वो नौकर जकरा ऊपर 20 साल से हमार एहसान बा, और उ एहसान के बदला में उ हमार घराना के सेवा कैलस। आज एक और एहसान सही, लेकिन डोंट वरी, वक्त आवे पर हम इस सारा एहसान के वसूली कर ले। नाउ जस्ट रिलैक्स और चौधरी के अपन काम करेगा। जी, हम आपके बहुत बहुत धन्यवाद। हमके पूरा यकीन है कि अब बाबूजी जल्दी छूट जाइए, जल्दी आ जाइए जेल से। और हम का कर सकेनी आपके खातिर? आप हमरी इतना मदद करनी, आप जॉन बोलेंगी हम करेंगे ना। 5:30 बजे तक लौट आई था तो हर जॉब के सिलसिला में बात करे के बा। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। अरे बंद गोभी वाला अचानक फूल गोभी कैसे बन गई? बताओ ना, इतना खिलखिलात काहे बाड़ू? अरे लाटरी लग गई बा हमार, लाटरी। अरे का बहिल, बतावा तो सही। नहीं, पहले हम बाऊ जी के बताएंगे फिर तुमको। इलीही बहुत बहुत धन्यवाद। हटी हटी, सॉरी सॉरी सॉरी। बाऊ जी, रानी बिटिया, तू यहाँ, तू वापस काहे ना गईलू? हंसत काहे बाड़ू? अरे पूछा तनी हम तोरा से कुछ। आप भी ना, वो पिंकुआ से भी ज्यादा नादान है। कैसन सवाल है कि आपके यहाँ पे छोड़ के हम बलिया लौट जाए? आप हमके डिप्लोमा करेनी, इंजीनियर कौन बनाएगा? रामाधीर किराना स्टोर पे के बैठी, आपके सेवा के करी? आपके अम्मा बाप बानी हम तोहार। कहनी ना कि बलिया वापस चल जा, एक बार में समझ में नहीं आवत? देखा, फटी मत हमरा पे। हाँ, बलिया जाके जितना फटे के बा फट ले, पर ही पुलिस स्टेशन में हमरा पे आवाज मत उठाइए, बुरा लगेला हमको। और ये का है? हाँ, ये सफेद दाढ़ी देख के आपको ऐसा लग रहा है कि 4 दिन से नहाए नहीं है। देखो, उम्र के लिहाज करत बनी, वरना हम भी फट पड़ेंगे। बाऊजी, आपके कैद में छोड़ के हम कैसे जा सकते हैं? और ये रहले आपके नया वकील बाबू चौधरी साहब। कैसा बड़ा रामू, रानी साहब हमरा भेजले बाड़ी तो हर केस लड़े खातिर।
बाबूजी याद है आपके वो बलिया में गंगा नदी से आप मछली पकड़ल सिखावत रानी? ठीक उहे तरह ये वकील बाबू भी ना सबूत ढूंढ के निकल है और आपके आजाद कर दिए हैं। हम इंस्पेक्टर से बात करके पेपर बनवा दे बेल के, तब तक केहू से भी कुछ भी कहे के कौनो जरूरत नहीं है, समझ रहा बानी ना? हम विजय से केस के डिटेल ले लेता नहीं। रानी साहब भेजी है इनको हम लोग के मदद खातिर। और अरे बिटिया तू ना इस शहर के लफड़ा में मत फंस बिटिया, अरे दलदल बा खा जाई तोरा के। बिटिया हम नहीं की चाहत की कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़त तू, समझा हमार बात के? बाऊजी 73,787 बच्चा हर रोज पैदा होखे ले देश में, कितना लोग के बाऊजी अपन बिटिया लोग के रानी की तरह पाले ले? आप अपन ई बिटिया के रानी बनाऊंगी। 20 साल में केवल 20 महीना हमरे साथ गुजार के ऐसा मुकाम देनी जिकरा बिना शायद हम भी लाखों बच्चा में खो जाते। काहे ना करती? पर बिटिया वाड़ी तू हमार और आप हमारे बाऊजी हैं, आपको यहाँ बीच भवर में छोड़ के हम चल जाएंगे का? अरे बिटिया पर तुहार सपना के का हुई, आगे के पढ़ाई के का? अरे बिटिया आज फैसला होकर मुश्किल बा, हम कहता नहीं कि तू बलिया वापस चल जा, अरे ना चाहे अकील वकील जे भाई हमरे हाथे भाई गलती कहले रही हूँ, भुगतान तो करे के पड़ी ना, जा तू वापस चल जा। आप ये सब जे बोल भी ना ओकरे पीछे का वजह सही है कि गलत ये हम नहीं की जान, पर बाऊजी हम ये बात जरूर जानते हैं कि सही और गलत से सच हम निकाले ले। माता रानी के सौगंध बा आपके, खुरेद खुरेद के हम सच निकालेंगे, पर तब तक यहाँ से हिलेंगे नहीं, यहीं पे रहेंगे हम। और काहे बोलत रानी कि वो वकील बाबू आपके ना चाहिए? एक तो रानी सा आपके रिहाई खातिर वो वकील बाबू के भेजनी और आप बने की जबरदस्ती गरिया रहे हैं, कहा दिक्कत है बाऊजी बताई ना? रानी सा अच्छा बिया हम ना नहीं की करत, दिल बड़ा बा उनके, पर बिटिया तू ना तू ही बड़ लोग के चोचला में ना पड़ा। अरे यहाँ सांस भी मुफ्त में नसीब नहीं के होत, पता बा तोरा? अरे बाऊजी हम रानी सा से कोनो एहसान नहीं ले रहे हैं, हम तो फुल टाइम काम करेंगे और भरपाई कर दे जैसे आप इतना साल से करत आ रहल बानी। का कहलू तू, नौकरी करबू? हम तोरे हाथ में कलम और किताब एक खातिर पकड़े ले रानी कि झाड़ू और पोछे के जगह ना बचे। आप ना, अरे, ना हम कहता नहीं ना ना करे के बाकी। अरे हमारी बात तो सुनिए, तू नौकरी ना करबू बस। अरे बुड़बक जैसन बात काहे कर रहल बानी? अरे देखिए बाऊजी बलिया में गणित में पहले नंबर पे रहत रानी की ना, फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीजन डिप्लोमा कहले बानी, ये बात आप रानी सा के बतावले हो कब ना? तबे तो जॉब खातिर बुलावत है हमके, कोनो हिसाब वाला जोड़ तोड़ वाला काम होखे ना हमरा खातिर, मस्त एकदम चकाचक ऑफिस में बैठेंगे। अरे रानी सा के बहुत सारा ऑफिस है, बहुत सारा कर्मचारी है, उहे कहीं जॉब मिल जाए ना हमके। देखी ना बाऊजी जैसे वो वकील बाबू के काला कोट होखेला और इंस्पेक्टर के खाकी के वर्दी होखेला, ओहे तरह हमरा भी ऑफिस वाला पोशाक होगा, हम भी पहनेंगे बैठेंगे ऑफिस में। पर रानी बिटिया ये का है बाऊजी, आप थकते नहीं है का? ये बहुत हो गई, सौ बात के एक बात आप हम पे विश्वास नहीं करब
कमजोर पड़ जाए हम। माता रानी के सौगंध देते हैं आपको। इस चौधराहट के छाव में अब आपन सपना ना ही बोएंगे। जाइब हम वापस, जल्दी जाइब। वो बनारस के कॉलेज में हम एडमिशन ले और पूरा पढ़ाई करब। इजेबा पिंकू एकर कान पकड़ के एकर भी पढ़ाई पूरा करवाई और आपके बिठाएंगे एकदम ठाट से रामाधीर किराना स्टोर पर। और वो भी पूरा पगड़ी रसम के साथ सब करब हम भाऊजी। पर आपके यहाँ से ले जाए के बाद ए बाऊजी का चल रहल बा मन में? रानी बिटिया हो, रानी साहू, रानी जा चौधरी साहब बुलाओ तने जा। नहीं पर आप कुछ कहत रहनी, बताइए ना बाऊजी। जा, जा चौधरी साहब बुलाओ तने जा। ठीक है अभी हम जा रहे हैं पर दोबारा आई पूरा तैयारी के साथ। बाऊजी हम अपन टीम ला के रहेंगे, आप सिखवने बानी में होंगे। कुछ तो छुपा रहे हैं बाऊजी वो दुर्घटना के बारे में, और वजह जानल तो ई वक्त हमरे लिए सांस लेवे से भी ज्यादा जरूरी है। बहन तू हमरा के काहे ना बतेलू कि रानी जी तरह के जाप देले बाड़ी? अरे हम बताए तो लाटरी लगी है हमरी। लाटरी ना शौचालय, शौचालय साफ करेंगे रानी जी तरह से। साढ़े पांच बज गए बा कुमुद, कहाँ बाड़ी हूँ तरह के पता बा हमरा देर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया। जी रानी सा अभी ही बात भइल हमार, वो बस आ ही रहल दिया। शौचालय का हिसाब करवाई है, हम गणित में एक नंबर है और ऊपर से आगे जाके हम इंजीनियरिंग पढ़त बानी तो एक अच्छा खासा जॉब देंगी। ये देखो जब हम उनको मार्कशीट प्रमाण पत्र दिखाएंगे ना तो रानी सा हमको एकदम अच्छा वाला नौकरी दे दी है। फादर्स नेम रामाधीर सिंह, एज 21 ईयर ओल्ड, फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीजन डिप्लोमा इन श्रीमती राजकीय महाविद्यालय, आल्सो टॉपर इन मैथमेटिक्स, फर्स्ट प्राइज विनर इन हिंदी निबंध प्रतियोगिता इन क्लास 7th एंड 8th, येलो हाउस स्कूल कैप्टन इन क्लास 11th, आल्सो वी हैव स्पोर्ट्स आल्सो भाला फेंक प्रतियोगिता फर्स्ट प्राइज विनर इन स्पोर्ट्स। माय ऑब्जेक्टिव फॉर वर्किंग इन कंपनी इज टू मेक प्रॉफिट एंड डू नो चीटिंग। माय हॉबीज आर डांसिंग, साइकिलिंग एंड सिंगिंग। थैंक यू। हो गए तोहार पूरे 4.5 मिनट लेट बाड़ू तू। माफी चाहता नहीं रानी सा, वो कहा यहाँ का जो फटफटिया है ना वो हमरे गांव के बैलगाड़ी जैसा चल रहा था। सारी पर इसे पहले कि आप हमके हमरा काम समझाई हम ना आपके दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहल चाहता नहीं। पहले आप ओ बड़ वकील बाबू के हमरे पास भेजनी और अभी नौकरी इजेबाना हमार मार्कशीट ये हमेशा हमरे बक्से में ही रहता था, आज देखिए कैसे काम आ गया। और हाँ बायोडेटा देख ली ही ना हमरा, बहुत ही उपकार होगा। हर उपकार के कीमत अदा करे पड़ेला यहाँ पर, कर पाइबू तू? जी हम कर पाएंगे। वो का है माता रानी और बाऊजी के आशीर्वाद बा हमरा साथ है, पूरा ईमानदारी के साथ काम करेंगे, एक को शिकायत के मौका नहीं देंगे हम। एक शिकायत अभी से बा, ई तोहार लंबा और बेतुका जे स्पीच बा हमार जितना वक्त जाया कैले बा वो दोबारा ना होके के चाहिए। मुंह कम हाथ ज्यादा यूज करिया,
वक्त के इज्जत करल सीख, ओकरा बर्बाद करे के बदला काम कर। रंग तो बिल्कुल हमरे बाऊजी के यूनिफॉर्म के साथ मिलेला। हमके ई यूनिफॉर्म ऑफिस में पहन के जाए के होकी का? आज से घर ही तोहार ऑफिस बा। और ई तोहार यूनिफॉर्म। जौन जगह रामू के रहे घर में अब वो तोहार बा। और अब कान खोल के सुन ल, जहां पे तू खड़ा बाड़ू ई हमनी के दुनिया बा। और हमनी के दुनिया में तोहार फटल पुराना कपड़ा, छोट सोच विचार, बेकार के सपना और फिजूल के आशा और ई डिप्लोमा बायोडेटा के कोनो जगह नहीं खे। और यहाँ पर वो खेला जे हम तय करतानी, और वो तरीका से हो खेला जो तरीका हमरा पसंद बा। रानी सा, हम तो पढ़ल लिखल बानी, देखी ना हमार डिप्लोमा फर्स्ट डिविजन। याद बा हमरा के, लेकिन ऐसन हजारों पढ़े लिखे लोग रोज मिल जाले, लेकिन जे घर के सेवा गंदगी साफ करे और हमनी के राजघराना के सेवा करे ऊ बहुत कम मिलेले। रानी सा, हम तो गणित में एक नंबर हैं। कोई भी सवाल पूछ ली हमरा से गणित के, पूरा होके से पहले ही हम जवाब दे देब। आपके ऑफिस के हम हिसाब संभाल लेंगे। ऑफिस के हिसाब ना, घर के हिसाब किताब संभाले के जिम्मेदारी हम आपके दे रहल बानी। किकरा कौन चीज के जरूरत कब पड़ेला, के का खाला, घर के सफाई कैसे और कितना बजे तक होके के चाहिए, हर के कब कैसन के हिसाब रखे के बात रखे। रानी सा, हम कैसे कर सके नी? हमके तो लागल रहे कि आप हमको जाप देवी के लिए बुलाई हैं। आपके ऑफिस में कोनो जगह खाली तो होगी ना? रामू के जगह खाली बा, हमनी के घर में इहे जगह के भरे खातिर हम तहरा के बुलैले बानी। नौकर के बेटी बाड़ू, हम तहरा नौकरी दे रहे बानी। कहले तर रहनी हम जौन एहसान हम रामू पे कर रहल बानी, वक्त आवे पर वसूलब। तब वक्त आ गइल बा और ओकर कीमत यूनिफॉर्म। एक हाथ ले एक हाथ दे वाली बात बा। रामू के जेल से निकलवावे में हम तोहार मदद करा, और ओकर बदला में तू यहाँ रामू के जगह लेगे। बीस साल से रामू अपन सर और नजर झुका के हमार हर हुकुम मान ले बा, तो ओकरे खून बाड़ू। तोहार ईमानदारी और खुददारी के देख के हम समझ गए रहनी कि नौकर बने के कला तहरा विरासत में मिलल बा। बस हमरा निराश मत करी हा। कुमुद, एकरा सारा काम समझा दा। आज से तोहार नया जिंदगी शुरू हो गई।
हम अपन सारा उम्र जी उजुरी कर गई ताकि तुहार सपना के पंख लग सके। हमरा पूरा विश्वास बा एक दिन बहुत ऊंचाई छुई हमार रानी। राजेश्वरी जौन लड़की आगे पढ़ल चाहतिया इंजीनियर बनल चाहतिया आज तू ओकरा नौकरानी बना दे रही केहू और के रख ले तू ज्यादा सैलरी दे दे तू। आपके ई केहू के भी चलन ही कुछ साल पहले हमनी के राजघराना में गंदगी के मिलावट कर दे ले रहे जे हम आज तक ना साफ कर पाएंगे। वो बात के इलेकी से का लेना देना बा नौकरन के ईमानदारी पावे खातिर उनका गला ना लगावे ले उनका औकात के अनुमान रखल जाला और वो अनुमान केहू के भी सामने प्यार या पैसा फेंके से ना उनकर खून के पहचान करे से आवेला। गलत फहमी बा तोहार एजुकेटेड भी आई लेकी तोहार काबू में ना आई। यू आर 100% राइट योर हाइनेस। आप भी तो एजुकेटेड रही कहां कंट्रोल कर पैनी हम आपके और हम गलती ना कहनी गलती होके से बचेले बानी हम कहे कि ई लड़की के सपना इतना आसमानी बा कि वो कबो सच ना हो पाई कहे कि ओकर औकात ही नहीं खे। छोट लोग इतना ऊपर उठ जाले ना कि आपन औकात और सपना के बीच के डिफरेंस ही समझना आवेला उनका के। हम सिर्फ ओकरा ओकर रियलिटी के एहसास दे ले बानी। नौकर के बेटी बाड़ी हूँ हमेशा नौकर ही रही हमरा पता रहे कि वो मान जाई कहे कि एगो नौकर ना कर ही ना सकेला। साइंटिस्ट इंजीनियर डॉक्टर जो बने के बा बनिया। कहा बिटिया समय बड़ा भगवान होला तू समय के जितना मान रखबू समय तुहार पूरा ध्यान रखी। हाँ और दोबारा अगर कोई तुहार सहेली तुहार हाथ में झाड़ू थमा के ही बोले कि नौकर के बच्ची बिया और औकात के बात करे ना तो ओकर आंख में आंख डाल के मुस्कुरा के घड़ी दिखा के बोली हा आपन टाइम भी जरूर आई। अगर झाड़ू पकड़ल ही हमार बिटिया की किस्मत में होत ना तो कलम ना थमती। अरे हमार बिटिया अपन बाबूजी के प्रेम और स्नेह के त्याग देले बिया ना एक दिन उहे त्याग ओकर कलम के सियाही बनके ओकर किस्मत लिखी। सारा दुनिया बाबूजी के नौकर नौकर कहत रहल लेकिन बहन तू ही साबित कर देलू कि नौकर के बच्चा अफसर भी बन सकेला। का बोलू तू नौकरी करबो हम तोरे हाथ में कलम और किताब यही खातिर पकड़े ले रानी कि झाड़ू और पोछे का जगह न बचे समझ लू। आज से घर ही तोहार ऑफिस बा और ई तोहार यूनिफॉर्म। रामू के जेल से निकलवावे में हम तोहार मदद करनी ओकर बदला में तू यहाँ रामू के जगह लेबू। 20 साल से रामू अपन सर और नजर झुका के
हमार हर हुकुम मान लेबा तो ओकरे खून बाड़ू। तोहार ईमानदारी और खुददारी के देख के हम समझ गए रहनी कि नौकर बने के कला तहरा विरासत में मिलल बा। आज से तोहार नया जिंदगी शुरू हो गई। रानी बिटिया आवाज आ रहल बा। जी दादी प्रणाम। आशीर्वाद आशीर्वाद। रानी बिटिया तहरा खातिर बहुत बड़ा खुशखबरी बा। इंजीनियरिंग के दाखिले के परीक्षा में पास हो गए बाड़ू। उ दिनेश बा ना डाकिया, उ आयल रहे, चिट्ठी दे के गयल बा, अंग्रेजी में लिखल बा, कुछ समझ में ना आयल। उ बगल वाला मास्टर जी बनी ना, उनकरा से पढ़वैनी। कहत रहनी कि लिखित परीक्षा में बहुते अच्छा नंबर से पास हो गए बड़ू तू, और बनारस में तहरा के बहुते बड़ा कॉलेज में दाखिला लेवे जावे के पड़ी। एक ठो और परीक्षा हुई, मेंस कहे लेना ओकरा, और वहाँ के बड़ा बड़ा अध्यापक तोहरा से सवाल पूछी हैं। इंटरव्यू हुई तुहार। हम तो बहुते खुश बानी बिटिया, तुहार याद में लौंग लता बनैले बानी। बस उहे से ओकर मुँह मीठा करा देनी। अब बाप बैठी दुकान पे और बिटिया पढ़ ले के ऑफिस में। माता रानी के कृपा से सब अच्छा हो रहल बा। अच्छा तू बतावा वापस कब आ रहल बाड़ू? रामाधीर मान गईल ना? या अभी ओ राजमहल के नौकरी सीना से चिपका के बैठल बा। थोड़ा समय लागी दादी, पर जल्दी आ जाएंगे हम, और बाबूजी के साथ लेके आए। अभी रखते हैं। अरे भोर हो चली चिड़िया दाना चुग चली। अरे भोर हो चली चिड़िया दाना चुग चली। अरे भोर हो चली। आराम से ब्रो, वेक अप, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इजी। सुनो, रानी फ्रॉम गांव महुआ जिला बलिया की आवाज सभी सुनो। भाई रानी, फ्रॉम गांव महुआ जिला बलिया, का हल्ला मचा के रखले बाड़ू सुबह सुबह? हैं, ऐसा कौन सा खबर सुनावे के बा? राजमाता आशीर्वाद। जियत रहा बेटा, जियत रहा। आशीर्वाद। जियत रहा बच्चा। बड़ा नायाब तरीका बा सबके जगावे के। अच्छा कहनी ना, देखी सबके नींद कैसे कटल पतंग जैसन उड़नछू हो गई। बहुत अच्छा बा, का गांव में तू सबके इहे तरह जगावत रहलू? नाही, बाऊजी से बतियावे खातिर हम हर रोज सुबह 6 बजने में 1 मिनट पहले उठ जाते थे, पर अब तो बाऊजी यहाँ है नहीं, यही से सोचे कि उनका जगह ले रहे हैं
तो कुछ नया करके दिखाए, अपन जगह बना ली। आप रामू काका के जगह? उनकी जगह तो कोई नहीं ले सकते है, फिर भी हम सोचे कि कोशिश तो करे के चाहिए। और देखी ये चौधराहत के गाड़ी में जितना भी नौकर लोग बाड़े, आप लोग के स्टेयरिंग भी हमरे हाथ में। बाबूजी की जगह पे जो आए हैं हम, अपन बाबूजी की जगह तो ऐसे लेबू। ये कौन सा तरीका भाईल आपके फर्स्ट इम्प्रेशन जमावे के? देखी ये हमार बनावल तरीका बा, वो का हा हमार बाबूजी सिखाए हैं कि जिंदगी में हर नया पड़ाव के पहला दिन कुछ ऐसा भोकाल करो कि सबकी आंखें एकदम अचंभी में खुली की खुली रह जाए, तभी तो दुनिया याद रखेला। तो इंग्लिश दीदी कैसा लागल हमार फर्स्ट इम्प्रेशन? अरे इलो के छोड़ा तू, हमारा तो बहुत ज्यादा मजा आई। अरे ऑफ कोर्स यार, घर में कुछ तो इंटरेस्टिंग हो रहा बा। न तो रामू काका तो हुए अपन सड़ा गला तरीका से नक नक कुंवर साहब आप जूस ले की कॉफी, सो डैम बोरिंग। देखी हमार बाऊजी के तरीका सही रहे, हम तो थाली पिटने से पहले एक बार सोचे भी कि बाऊजी के प्रथा को ही हम आगे बढ़ाएंगे। एक एक दरवाजा पे जाएंगे और दरवाजा को आराम से पूरा प्रेम भाव से थपथपाएंगे और सबको उठाएंगे। लेकिन जितना दरवाजा बा यहाँ पे, हम जब तक पहुँचती भोर से शाम हो जाएगी। अच्छा कहनी ना? बिल्कुल वाहिया। सब लोग एक साथ सुबह सुबह, I'm impressed. सुबह उठल is a very good habit. खास करके तू विक्रम, और हाँ तू यहाँ रामू के जगह पर आयल बाड़ू और यही से नौकर के जैसन काम करा। ये गाना बजाना, शोर शराबा, थाल पीटना, बेसिकली लो क्लास बंदरगिरी तो हर गांव में अच्छा लागत होगी, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी ना। आज पहला दिन बा, यही से हम प्यार से समझावत आनी। प्यार से समझा रहा बनी, ये अगर हमनी लोग कहले होती तो प्यार से रानी साहब हमनी के नौकरी खा जाती। एक का खुसुर पुसुर हो रहा बा, सब अपन अपन काम करा। रोका तहरा बहुत कुछ सिखावे के बा। कुमुद, शांति, चंपा, तीनों यहाँ पर आवा। तू तीनों का नशा करके सूतेलू? कहाँ बात होनी के ध्यान। कुमुद, ये लड़की यहाँ रामू के जगह पर आयल बाड़ी, ऐसे नौकरन पे नजर रखल एकर काम बा। और चूंकि तू हमार पीए बाड़ू, ए पे नजर रखल तोहार काम बा, राइट? जी रानी साहब। तो ई यूनिफॉर्म काहे ना पहनलस? और तू दोनों भी कुछ ना कहलू? जी वो रानी साहब, हम तारा से बात कहनी। हम कुमुद, ये लड़की यहाँ पर नया बाड़ी, एकरा कुछ ना पता, बाकी तू तारा तो सब कुछ पता बा। हमनी के घर से और हमनी के घर के सदस्य से तो हर रुचि तो बहुत पुराना बा। जी रानी साहब, गलती तो हमार है, हमके वो यूनिफॉर्म इतना चाचक लागल,
हमके लगल के सिर्फ खास त्योहार जैसे शादी ब्याह सिर्फ उसमें पहने के होखिला। यही से तोहफा समझ के हम रख लिए। एगो यूनिफॉर्म बा, और वैसे भी तोहफा हम अपन बराबरी वालन के दे बनी। जे हम तोहरा के देले बानी उ एगो एहसान बा, और एहसान के नीचे छिपल तोहर नया पहचान बा। कल तो बतैले रहनी तोहरा जितना जल्दी तू ई नया पहचान के अपनैबू तोहरा खातिर अच्छा होई। एनीवेज घर में शादी के माहौल बा, हमार समधन समधी जी के साथ साथ ही कंट्री के रॉयल फैमिलीज उनकर मेहमान सबके आना जाना लगल रही। लेकिन ओकरा से पहले कुमुद ई लड़की के यहाँ के तौर तरीका समझ आवे के चाही, और तू ये सब दोबारा ना होखे के चाही। माइंड इट। ओके, गुड नाइट एवरीवन। सायोनारा, आई विल सी यू गाइस लेटर। विक्रम। यस मॉम। तोहर प्लान का बा? तो प्लान ही बा कि अभी हम सुत जाए, फिर हम कुछ खाए, ओकरा बाद कहीं बाहर घूमे जाए। हम समझनी ना। मतलब आई डोंट नो, आई मीन गो आउट सम फ्रेंड्स, चिल आउट, व्हाट्स द पॉइंट? पॉइंट ई बा विक्रम कि तू कबो भी सीरियस ना हो खेला। जाए दे ओकरा राजेश्वरी, अपन बच्चा बा। यस राज माता, बच्चा ही बा, लेकिन हमार बच्चा बा। और बहुत सारा ऐसन पेरेंट्स बाड़े जे आपन बच्चा के कंट्रोल ना कर पावेले, और आगे जाके उहे बच्चा ऐसन गलती कर बैठेला कि ओकर खामियाजा मरते दम तक फैमिली मेंबर्स के भुगते के पड़ेला। नंदनी, ढंग से कपड़ा पहनल करा। पर मॉम हम तो सोते वक्त यह पहने नहीं, राइट? यस, बेडरूम में नाइट वेयर पहन सकेलू, लेकिन यहाँ पर हमनी के नौकर भी बाड़े और उनकर सामने नाइट वेयर पहनल अच्छा ना लागेला। नंदिनी, डोंट फॉरगेट कि तू एगो राज घराना के बेटी बाड़ू। विक्रम, जयपुर के सबसे मशहूर लॉ कॉलेज में डोनेशन देके तोहार एडमिशन यही से ना करवेनी बेटा, कि तू फ्रेंड्स के साथ चिल करा। लॉ फर्म में इंटर्नशिप के बारे में सोच ले बाड़ा तू? कम ऑन विक्रम, यू मस्ट हैव फोकस, यू हैव टू बी द बेस्ट। वीर, आई होप तू एकरा एक्सप्लेन कर सकबा। विक्रम के टेंशन हमेशा हमरा के रहेला। डोंट वरी रानीसा, आई विल सॉल्व आउट। आई होप सो। विक्रम, जब माँ कुछ बोले ले तो हाँ में हाँ मिलावे में का प्रॉब्लम है ब्रो? कम ऑन यार ब्रो, आपके तो पता ही बना, मामा के तो आदत बा बोले के। वो अच्छा खतर बोले ली। कम ऑन, गो एंड गेट रेडी फास्ट फॉर सम वर्क। ईरानी सह का ऑर्डर बा। ओह, आफ्टर यू माय लॉर्ड।
कुमुद काकी, हमसे बहुत बड़ मिस्टेक हो गई। हमरे कारण रानी सा आप पे गुस्सा हो गई। कौनो बात ना, आपके देख के ना एकदम माँ जैसन फीलिंग आवेला। अच्छा लागल कि तू हमके माँ कह के बुलाइलू। सच कहीं ता छोटा सा शब्द बा, बाकी बा बहुत प्यारा। ओ तो है। वैसे एक तो सवाल पूछे, आप शादी ना कहनी? ना वैसे रानी ईला ई फाइल में ना ई लिस्ट बा जेकरा में घर के सारा काम लिखल बा, तू एक बार एकरा देख ला। इतना लंबा लिस्ट? ई काम तहरा के करे के ना बा, ई सारा काम तहरा के वरुण, चंपा, शांति और घर के सारा सर्वेंट से करवाए के बा। घर में जे भी आवेला ना ओकर पूरा हिसाब रखे के बा, और महीना के अंत में अकाउंटेंट जी के पास सारा हिसाब जमा करे के बा। हिसाब? देखा, जैसे ई पिछला महीने के हिसाब बा। 24,000 का पनीर, 10,000 का प्याज और ई चाउमीन। चाउमीन नूडल्स जे यहाँ के छोटा कुंवर सा खाए ले। अरे बाप रे, 4,000 का महीना में सिर्फ चाउमीन खाते हैं। पिछला महीने के पूरा हिसाब 7,36,676 रुपया। अरे कुमुद काकी, इतना में ना हमनी के गांव में 10 बिया, होली का समारोह, पंचायत का इलेक्शन, रामलीला का आयोजन और हाँ मुझे होखेला ना हर साल सावन के मेला का क्रियाक्रम, वो भी हो जाला। पर रानी शहर बा, यहाँ ऐसे होखेला? इस सारा हिसाब के अच्छा से देख ला और समझ ला, फिर भी कौनो भी दिक्कत होखे ना तो आपनी कुमुद काकी से पूछ लिया। और हाँ, यूनिफॉर्म जरूर पहन लिया। 100 लीटर फिनाइल, ये घर को पोछा मारते हैं कि शहर के सड़क पे? आए हो दैया, कहाँ हम सोचले रानी अफसर बनेंगे और कलम घी सब, और यहाँ यहाँ तो फरस घिसे वाला टिकिया के हिसाब करत बानी हम। तो छोड़ का है ना देवेलू बहन, हम तो तुमको पहले ही बोले थे कि रानी जी तहरा से शौचालय साफ करवाई है। बक बुड़बक, कुछ भी बोले ला, कोई भी काम बड़ा या छोटा ना होत है, इंसान के सोच ओकरा वैसन बनावेला। पर तू तो इस सोच से परे अपन मन में सपना देखत रहलू ओकर का। देखा पिंकू, हम कुछ वक्त खातिर अपन सपना के छोड़ ले बानी, तोड़ ले नहीं की। तू भी अटक जेबू बाबूजी के जैसन इस जाल में, 20 साल से ऊ ये जिंदगी जी रहल बाड़े, आज तक निकल ना पा रहल बाड़े। अरे ऐसन कुछ ना होगी, हम बाबूजी के लेके जल्दी वापस चल जाए गांव। रानी सा हमार बाबूजी खातिर चौधरी साहब जैसन इतना चौचक वकील बाबू हमरे लिए कैले बाड़ी। अब हमने पास तो इतना पैसा नहीं है कि हम उनका भर पाए, और मुफ्त खोरी हमके नहीं के पसंद। बस ये छोटा मोटा काम करके उनका एहसान चुकावत बानी। एहसान नहीं बाबा हन, श्राप बा श्राप, और एगो ऐसा श्राप जे अगर एक बार चिपक जाना तो फिर चुटाई भी ना छूटेला। पूरा बलिया में एको आदमी ऐसा नहीं खे जेकर गणित तरह से ज्यादा फास्ट होखे, और तू यहाँ जयपुर आके इस साबुन तेल टिकिया में अपन लुटिया डुबा रहल बाड़ू, ई गलत बा बहन। यहाँ बैठा का है? देख पिंकुआ, इतना नाराज मत होगा, सौ बात के एक बात, पर फिलहाल हमार पूरा ध्यान बाऊजी को आजाद करवाने में है, और बाऊजी को आजाद करवावे खातिर अगर हमके थोड़ा टेम खातिर ये सब छोटा मोटा काम करे के पड़ रहल बा तो हम करब। शुरू में थोड़ा मुश्किल लागत बा पर सीख जाइब, जैसे बाऊजी से साइकिल चलाना सीखे थे, कलम पकड़ना सीखे थे, हमेशा सच बोलना सीखे थे और जीवन के सबसे बड़ मंत्र सीखे थे कि जब भी मन घबराए, आंख भर आए और दिल मचले
दिल पे हाथ रख के बोली हा, अपना टाइम जरूर आई। और कहना तहार टाइम भी आई, हमार टाइम भी आई, अपना टाइम भी आई। पिंकुआ दिल बहुत ही फास्ट धक धक करेला, पर सब सहलेगा। तू ही हमरा के तो समझा देलू, बाकी बाऊजी के ही बात पता चली तो का करबू। अरे रामू काका, ये आपके सुपर फास्ट बिटिया ना? का का भाई हमारा बिटिया के ना? राम राम ना, नमस्ते, सीधे जय बाऊजी के। ला बात करा। अच्छा रानी बिटिया कैसन बढ़ू? हम एकदम चकाचक बानी बाऊजी। अरे वाह, तुहार जॉब के का भइल? रानी सा काम दे देली? अरे दे देली, अरे दे देली का हम तक काम भी शुरू कर चुकल बानी। अरे वाह, ओ मुनीम का काम दी है हमको, सब हिसाब रखे के बोले बनी रानी सा। अरे वाह बिटिया वाह। अरे कौना ऑफिस में? ओ का है रानी सा बोली कि रानी तू बहुत 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 ही समझदार बड़ू, तो एक ऑफिस नहीं जितना भी ऑफिस बा सब के हिसाब तू संभाला, आपके कारण हमके जॉब मिलल बा। अरे बिटिया हम कुछ ना कहनी है, ये सब तो हर मेहनत और लगन के नतीजा बा। अरे हाँ ये सब तो ठीक बा, अब पूरा समय काम ना करे के बा, पढ़ाई भी करे के बा। हाँ? हाँ, बनारस जाके जल्दी जाई। दादी फोन की थी हमको, हम इंजीनियरिंग के परीक्षा में पास हो गए हैं। अरे वाह दादी, बिल्कुल ठीक बाड़ी, आपके बारे में पूछत रहली, बात के हम टाल देनी, बिना बात के टेंशन ले लेती हूँ। बहुत अच्छा कही हूँ, पर बिटिया ये जो तो बुल्लू है ना, अरे बहुत बड़ा खुशखबरी बा, दिल खुश कही देलू बाबूजी के तू आज। हम तो पहले से जानत रहनी हमार बिटिया की टक्कर के कोनो दुनिया में नहीं खे मनल। बाबूजी अभी सिर्फ लिखित परीक्षा में हम पास भइल बानी, अभी तो हमके बनारस जाए के होखी। वो जो मास्टर लोग बड़े इंटरव्यू ली है उमे पास हो जाए तबे दाखिला होखी बनारस के कॉलेज में। अरे बिटिया तू बिल्कुल चिंता मत करा, हमके पूरा विश्वास बा तू उहो इंटरव्यू में पास हो जाइबू। जी बाऊजी, पर एक ठो इंटरव्यू में आपको भी पास होके के पड़ी। अरे बिटिया हमारे इंटरव्यू के ली हा? उहो यहां उ कलू वकील बाबू आयल रहले ना चौधरी साहब, उ सवाल पूछी है आपसे। उ रात के जब बैल रहे सबके चिट्ठा देवे के होखी आपके। अरे बिटिया तू हो कमाल करत अड़ू, हम तो हर इंजीनियरिंग के बात करत नहीं और तू बारू की। हम उहे में अटकल बानी बाऊजी, आप जे ई घड़ी देले बानी ना हमके, ओके देख के सिर्फ उहे टेम के इंतजार रहेला कि कब आप हमरे साथ गांव वापस जाएंगे। पहले तू हमरा के एगो बात बतावा, वो कंगन कहाँ बा जो हम ला के देले रानी? खो देलू का? अरे जॉन कंगन के वजह से इतना बड़ा कांड भइल बा, वो हमरा के दे दा, तोहरा पास जब पैसा जमा हो जाए तो तू वापस लेके चल जाइए। अरे बोला। हाँ अरे काहे ऐसे बुड़बक जैसन बात कर रहे हैं आप, हम आपका दिया हुआ कंगन कैसे खो दे? हाँ देखिए बाऊजी, हम उसको संभाल के अच्छा से बक्सा में रख देले बानी। आप फिस जाते हैं ना तो टेबल से लड़ लड़ के वो कड़ कड़ करके आवाज आता है यही से। अच्छा अच्छा ठीक बा ठीक बा, ध्यान रखिए। हाँ जी बाऊजी, अब हम रखता नहीं, हमको ऑफिस खातिर देरी हो रहा है, जल्दी मिलने आएंगे। आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद। झूठ कहनी बाऊजी से, वो भी जिंदगी में पहला बार। पहले अपन नौकरी के बारे में और फिर वो कंगन। आज वो वकील से अपन कंगन मांग ले ताकि फिर बाऊजी से झूठ ना बोलना पड़े।
रामू काका, आपके बिटिया की देख के हम समझ नहीं, 20 साल में सिर्फ 20 महीना साथ रह के भी कितना अच्छा परवरिश दिले बानी आप ओकरा। देखिए हाँ, वो आपके यहाँ से जरूर लेके जाई। ओकरा से पहले रामू काका आपके अपन मन हल्का करे के होगी। अगर कुछ पा तो बता दी ही। जे सच रहा हम सब कुछ बोल चुकल बानी विजय बेटा। विजय चौधरी साहब, रानी, सबके के वो सवाल बा, कैसे बताएं सच का बा। जय माता रानी। फन डेट एडवोकेट साहब, आप फास्ट फास्ट खाइए, फिर हमरा कंगन लौटाइए। 2% का छोरी फिर से आ गई लू, चल भागिया से, कोनो कंगन वंगन नहीं हमारा पास। देखी हम इज्जत से बतियावत बनी, हमरा कंगन लौटा दीजिए, वरना ये जो है ना आप गोल गोल ठूस रहे हैं, आपके माथा पे ऐसा मुक्का धरेंगे ना कि गोला के सरकमफेरेंस उहे बन जाए। हमरा के मारबू तू? अरे ऐसा ऐसा केस में फसाई ना कि बाप के साथ सारा जिंदगी फिर जेल में सांस लेते रहू। हमरा पास कोनो कंगन वंगन नहीं है तो आज कहता नहीं कंगन वापस दी, और आप जैसा लालची इंसान हमरे बाबूजी को कभी जेल से बाहर नहीं निकाल पाता। अरे अरे देखी आप हमके नहीं खिजानत, हम कमजोर नहीं है। आप हमरे गांव में फोन लगा के पूछ लीजिए, महुआ जिला बलिया, हमसे कोनो बदतमीजी ना करेला। अगर आप हमको इसे डरा धमका के धक्का मारेंगे ना तो माता रानी आपके भी गिरई है। गधा भले घोड़ा के घास खा ले पर रहता गधा ही है। देखी हम ना आपको 24 घंटा 1440 मिनट दे रहल बानी, इज्जत से हमार कंगन लौटा दीजिएगा, हम कल आएंगे। और अगर आप हमरा कंगन नहीं लौटाए ना तो ऐसा तुमरे इज्जत का छीछा लेदर करेंगे कि एडवोकेट के नाम पर सिर्फ ही काला कोट रह जाई। यहाँ का मैटर कर देला सी। चल भाई आप एक काम करी, आप जाइए हम यहाँ देख ले है ना। स्टॉप, मिस्टर रघुवंशी बहुत बड़ा वकील बाड़े हैं, स्पेशली तोरा खातिर फोन करके हम अपॉइंटमेंट लेनी है। गो मीट हिम, वेटिंग फॉर यू। ओके फाइन, हम मिल के आते नहीं। हम हार माने वाला में से तो नहीं हैं। हमारे बाबूजी का दिया हुआ कंगन तो हम वापस लेके रहेंगे, चाहे जो करना पड़े।